नई शिक्षा नीति 2020। जी हाँ, अब जो एजुकेशन पॉलिसी को हम जानेंगे, हम उसे इसी नाम से जानेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूँगा, आखिर शिक्षा नीति होती क्या है। शिक्षा नीति वह है जिसके दायरे में हम शिक्षा कैसे ली जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे पास, कैसे फेल, किस में बोर्ड एग्ज़ाम हो, किस में ना हो, कितने सब्जेक्ट होना चाहिए, कितने नहीं होना चाहिए, क्या पढ़ने के बाद क्या नौकरी मिलनी चाहिए, कैसा किसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन जो है वो शिक्षा नीति के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि नई शिक्षा नीति बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है, बुधवार को भारत सरकार ने जिसे मंजूरी दे दी है, आइए आज हम जानेंगे टोटल 20 ऐसी चीज़ें जो कि नई शिक्षा नीति के तहत हमारी शिक्षा नीति में बदलाव के रूप में स्वीकार की गई है। और कहीं ना कहीं ये बदलाव ज़रूरी भी था, क्योंकि इससे पहले 1986 में जब राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए थे। उसके बाद 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के टाइम थोड़े बहुत संशोधन हुए, लेकिन ये जो संशोधन हुए हैं ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही काबिले तारीफ कदम है। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। एक साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और दो साल की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति पर मुहर लगाई गई। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर GDP का 6% तक करने का लक्ष्य है। आइए पहली बार, स्कूलों में पहले 10+2 हुआ करता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया जाएगा और उसके जगह शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। अब आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब 6ठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। 4था स्टेज क्लास 9 से 12 तक का होगा, जहां जो कि 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले क्लास 1 से 10 तक का सामान्य पढ़ाई होती थी, लेकिन अब क्लास 11 से विषय चुन सकते थे। लेकिन अब जो है क्लास 9 से ही आपको बिल्कुल आज़ादी मिल जाएगी। दूसरी बात जो है कि 6ठी कक्षा में रोजगार परक शिक्षा नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई। समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा
अब छठी कक्षा से ही बच्चे प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के लिए प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में दो बार परीक्षाएं कराना, दो हिस्सों में ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना इत्यादि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर, मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, बोर्ड परीक्षाएं, जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेगी। चौथा पॉइंट है कि 5वीं कक्षा तक की जो है पढ़ाई, वो हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पांचवा बिंदु, स्कूलों में ऐसा होगा, बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। जी हाँ, 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। पहला तो शिक्षक जो आकलन करते ही हैं, उसके बाद बच्चा स्वयं अपना आकलन कर सकता है, उसके साथ साथ उसके जो है क्लासमेट जो हैं वो उसका आकलन और मूल्यांकन करेंगे। जी हाँ, तो स्वयं छात्र, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिया जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं ग्रेजुएशन में हुए सब बदलाव के। ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति ने मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट और 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में MA कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। MPhil को ख़त्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। 7वां बिंदु, इसी क्रम में देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा। MPhil का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है।
नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। कई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को ख़त्म किया गया है। इससे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके साथ साथ अभी तक जो है हमारे हायर एजुकेशन को जो कंट्रोल करने वाली बॉडी होती थी वो होती थी UGC, NCTE, AICTE। अब इन सब के जगह एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, UGC, AICTE का युग ख़त्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में UGC, AICTE और NCTE की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता यानी ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालय से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। नवा बिंदु इस क्रम में जो है कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर दिया जाएगा, यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। इसके साथ साथ जो 10वां बिंदु है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे क्योंकि इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत होती है। जी हाँ, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस लाने की तैयारी हो रही है। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधारों पर मोहर लगाई गई है। नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। ₹2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। अगला बिंदु जो है वो फीस नियंत्रण पर होगा। खरे ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी तैयारी की जा रही है और सभी तरह के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा और 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा के तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिट संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल हैं। स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यवसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगी। अगला बिंदु जो है कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा।
उसी क्रम में नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। उसके साथ साथ हर ज़िले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अगला बिंदु जो है, हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के नियम समान हो जाएंगे। अगला बिंदु इसी क्रम में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव और किया गया है। अब तक जिसे हम मानव संसाधन मंत्री के रूप में जानते थे, यानी MHRD मिनिस्टर, अब हम उन्हें शिक्षा मंत्री के नाम से जानेंगे। जी हाँ, इस चीज़ को गौर फरमाइएगा और अपने ध्यान में रख लीजिए कि ये चेंजेस हुए। अब MHRD का नाम बदल के जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो MHRD मिनिस्टर थे अब उनको शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। अगला बिंदु जो है, त्रिभाषा फार्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषा को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे बच्चों के अंदर जो है कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ की लैंग्वेज जब हम जानेंगे तो रोजगार परक शिक्षा और होगी, क्योंकि हमारे यहाँ करीब हर साल काफ़ी बड़े तादाद में टूरिस्ट आते हैं। स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। जी हाँ, SC ST OBC और SEDGS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा से वापस शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ये रही आप लोगों के सामने नई शिक्षा नीति 2020 की बात, जिसे शॉर्ट में NEP 2020 के नाम से हम जानेंगे। और जहाँ तक लगता है आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।